Hey guys, in this today's video, you will learn very special thing. Keep on watching this video till the end so that you could understand everything. My dear friends, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कुछ एडवांस चीजें, जैसे कि क्या आप कभी ऐसा बोलना चाहते हैं, आप बोले हैं या कभी सुने हैं कि लोग कहते हैं आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हो, ठीक है, आप हमेशा मुझ पे क्यों भड़कते हो, आप क्यों स्टूडेंट पर हमेशा भड़कते हो, जैसे टीचर भड़कते हैं स्टूडेंट पर, या पप्पा मम्मी पे क्यों हमेशा भड़कते हैं. तो ये भड़कना किसी पर, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, देखते रहिए इंद तक. इसको कहते हैं लैश आउट एट. लैश आउट एट इसका मतलब होता है किसी पर भड़कना. जैसे आप मुझ पर हमेशा भड़कते हो, यू ऑलवेज लैश आउट एट मी. जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट्स पर भड़कता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई ऑलवेज लैश आउट एट स्टूडेंट. मम्मी हमेशा पप्पा पर भड़कती है, तो क्या बोलूंगा, मदर ऑलवेज लैशेस आउट एट फादर. जैसे आप हमेशा दोस्तों पर क्यों नहीं भड़कते हो, क्यों नहीं भड़कते हो, वाई डू यू नॉट लैश आउट एट फ्रेंड्स. आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेगा अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, प्रश्न समझ में आया, उत्तर समझ में आया, या अगर आपको रूल समझ में आया हो. देखिए, आप हमेशा क्यों लोगों पर भड़कते हो, आपके लिए इंग्लिश है, आप हमेशा क्यों लोगों को भड़कते हो. अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में इसी प्रकार के वीडियो के लिए कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. जय हिंद, जय भारत.